विदिशा जिले के कुरवाई में नरवाई गांव में लगी आग की सूचना अनुविभागीय अधिकारी वर्मा को मिली। जैसे ही आग की सूचना मिली, एसडीएम तहसीलदार आशुतोष शर्मा, राजस्व निरीक्षक अमित गुप्ता के साथ मौके पर पहुंच गए। बढ़ती आग को देखकर एसडीएम वर्मा ने ट्रैक्टर बुलाया और खुद ही आग बुझाने के काम में कूद पड़े। अधिकारियों ने कुरवाई समेत सिरोंज की फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाकर बुलाया, लेकिन दमकल के आने के समय लगा और आग विकराल रूप धारण करती जा रही थी। अब गांव तक ना पहुंच जाए, यह देख अनुविभागीय अधिकारी वर्मा ने ट्रैक्टर और पंजा बुलाकर खुद ही ट्रैक्टर पर बैठकर आग बुझाने लगे। अधिकारी को आग बुझाते देख ग्रामीणों के साथ अन्य अधिकारियों ने भी आग बुझाने की मदद की और आग को आगे बढ़ने से रोका। बाद में दमखल की मदद से आग पर काबू पाया गया। चारों तरफ एसडीएम वर्मा के हौसले की तारीफ हो रही है। हमारा चैनल भी ऐसे अधिकारियों के जज्बे को सलाम करता है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। जो है हमारे पास मड़ी जागीर गांव से एक सूचना आई थी कि आग लग गई है, तो हमारी एक फायर ब्रिगेड वहां चली गई थी। फिर पठारी की सूचना आई तो दूसरी फायर ब्रिगेड हमने वहां भेज दी थी। इसी बीच रात के 9 बजे के आसपास फिर एक सूचना आई कि तमोइया गांव में भी एक आग बहुत फैल चुकी है और वो गांव की तरफ आ रही है। अब चूंकि हम दोनों फायर ब्रिगेड हमारी इधर उधर भेज चुके थे, तो मैंने सिरोंज के एसडीएम से बात करके हमारे सोनी साहब से वहां से फायर ब्रिगेड बुलवाई और मैं खुद उस स्पॉट पर अपनी टीम को तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी आदि को लेके पहुंचा। जब मैंने देखा कि गांव की तरफ आग बढ़ती जा रही है और सिरोंज से फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो वहां के उपस्थित लोगों से मैंने खुद कहा कि हमें भी इसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। ये खेतों से होती हुई गांव की ओर आ जाएगी, क्योंकि खेत गेहूं के हैं और गेहूं के जो खेत हैं उसमें यदि ट्रैक्टर चला करके और इसका विच्छेद कर दिया जाए और इसको आग को बुझाया जाए तो ये संभव है। कुछ लोगों ने मेरे साथ आकर के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।